हेलो गाइस, वेलकम टू जॉन व्लॉग्स माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, बहुत ही टाइम बाद, कुछ दिनों बाद आना हुआ मेरा, क्योंकि भाई काम के प्रेशर में ज़्यादा थे इस वीक, पूरे ज़्यादा काम था। तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, काम बहुत ज़्यादा था और अभी भी ज़्यादा है सिर पर। तो काम है तो भाई नाम है, काम तो करना ही पड़ेगा। अगर काम नहीं करेंगे तो अपने शौक, खाना पीना घूमना, वो सब काम से ही होता है भाई। तो काम को पहले रखें आप, बाकी सारी चीज़ बाद में। और आज संडे है, छुट्टी है, तो एंजॉय होगा। आज मैं आपको, मेरा मूड मसूरी जाने का है, बहुत टाइम हो गया, मसूरी बहुत ही नियर पड़ता है यहाँ से। तो आज लास्ट तक जुड़े रहें, मैं आपको डेंजरस वे दिखाऊँगा सब। तो गाइस, मैं निकल गया हूँ घर से बाहर, आप यहाँ के वे देख सकते हो। ये मेरी साइड की लोकेशन है और मैं आज मसूरी निकलने वाला हूँ। ऐसे मूड हुआ तो निकलूँगा, वरना नहीं भाई। तो गाइस, आप मेरे तरफ की लोकेशन भी देख सकते हो, यहाँ पर बहुत ही, इधर भी बहुत सुंदर है सब। तो मैं निकल गया हूँ। तो गाइस, यहाँ पर आप घर भी देख सकते हो, कैसे कैसे बने हुए हैं, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। और यहाँ पर बोर्ड्स भी बहुत अच्छे आते हैं, बहुत दूर दूर से बंदे आते हैं। तो भाई, पूरे वीक काम करने के बाद एक संडे एंजॉय होना चाहिए। तो मैं अपने दोस्त को उठाता हूँ, जो कि आपने देखा भी है, बहुत सपोर्ट करता है मुझे और बहुत हेल्प करता है मेरी वीडियोस वगैरह में। नेपाली बंदा है वो, कांचा है, मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, आने वाला है मेरा दोस्त, तो मैं उसके घर पे ही जा रहा हूँ। गाइस, आज बंदा मेरा दोस्त है, बहुत ही हेल्प करता है मेरी। वो कहाँ गया? रितम आ भाई, जल्दी चल भाई। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। तो भाई देखो, दोस्तों की जरूरत तो ज्यादा नहीं होती, अपना एक दोस्त हो, अच्छा होना चाहिए। वही बड़ों का कहना, 100 कुत्तों से एक शेर हो वो बहुत है भाई। 100 कुत्ते पाल लो और एक शेर पाल लो, वो इक्वल है भाई। तो भाई, मेरी साथ भी ऐसा ही है, मैं एक दो ही दोस्त रखता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता, क्योंकि भाई दोस्ती में बहुत बंदे थानेबाजी वाले भी होते हैं, बहुत सबका। तो जो अपनी मेच्योरिटी का हो, आप उसी के साथ जुड़े हैं आप आज तक, और उसी को साथ रखते हैं। मैं जहाँ पर जाने वाला हूँ, मैं जाऊँगा वहाँ पर सामने, मैं वहाँ सामने जाऊँगा। और जहाँ जहाँ से जाऊँगा, जहाँ जहाँ से रास्ते दिखेंगे आपको डेंजर वाले हुए, वहाँ पर आप देख कर बोलोगे भाई मज़ा आ गया। तो कृपया लॉट तक जुड़े रहे और आप देखना मैं कैसी कैसी जगह पर जाऊँगा। मैंने डबल हेलमेट ले लिया है, क्योंकि वहाँ पर डबल हेलमेट ही करके मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, क्योंकि भाई कैंट एरिया है। और अपने पास जो है हेलमेट भी भाई फौजी वाला ही है, ये मुझे एक फौजी अंकल थे, चाचा रिटायर, उन्होंने गिफ्ट किया था। तो भाई उसका लॉट तक जुड़ा रहे, मैं वहीं पर जा रहा हूँ आज, क्योंकि वहाँ पर ठंडो बहुत है, ठंड, और मैंने अपना कंबल वम्बल भी ले लिया है। चले भाई। तो भाई, यहाँ से होता है सफ़र शुरू, आप देख सकते हो यहाँ से सफ़र शुरू हो गया है मसूरी बाईपास का, और बहुत ही डेंजर वे है। भाई लास्ट तक जुड़े रहे, पहले तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा, क्योंकि आपको मज़ा आ जाएगा। और ये वो आप देख सकते हो, जगह कितनी खूबसूरत है, और अभी कुछ भी नहीं है भाई, आगे देखना। आप इधर से आए, सीधे सीधे सभी जाते हैं क्लॉक टावर से सीधा ऊपर राजपुर से, भाई आप इधर से आए और जगह का और जिंदगी का आनंद उठाए इधर से आगे। भाई आप देख सकते हो, अभी तो कुछ भी नहीं देखा, आगे देखना आप, क्या लहर आने वाली है भाई। तो भाई मेरा कहना यही है भाई, पूरे हफ्ते आदमी पूरे महीने काम करे, और भाई अपनी जो भी एक छुट्टी हो आपकी, संडे या फ्राइडे, उसको एंजॉय करे भाई।
गाइस अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो तो ये वहाँ से मैंने आपको दिखाया गड़ी का और भाई एक चीज और बिल्कुल अगर आप आ रहे हो उधर से ध्यान में रख के एकदम बिल्कुल तुम्हारे काम आने वाली है भाई बहुत ही मिनी रोड है बहुत ही छोटा रोड है देख कर गाड़ी चलाएं और भाई अभी हमारे साथ हादसा होने से बच गया भाई यहाँ पर देख कर गाड़ी चलाएं क्योंकि बहुत ही मिनी वे है आप देख सकते हो यहाँ पर ये बहुत ही मिनी वे है यहाँ पर देख कर गाड़ी चलाएं और यहाँ पर गाड़ी भी पावरफुल लगे आप देख सकते हो यहाँ पर ये खूबसूरत नज़ारे और भाई बहुत ही देख कर चलें क्योंकि यहाँ पर हादसा कब हो जाए कुछ पता नहीं चलता भाई अभी बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बच गए अभी तो भाई ये हमारी हम एक्टिवा लेके आए हुए हैं तो भाई मैंने एक बात का यहाँ पर सपोज किया है रियलाइज कर लिया है यहाँ पर पावरफुल ही गाड़ी लाए आप 200 cc 220 500 भाई नॉर्मल गाड़ी यहाँ पर मज़ा नहीं आने का भाई नॉर्मल गाड़ी में एक्टिवा देखो इसकी बाइक फटी जा रही है चढ़ते हुए तो भाई यहाँ पर अच्छी गाड़ी लेकर आए और सबसे पहली बात भाई भाई बहुत देख कर चलाए बहुत ही मिनी रोड है सेकेंड लग गया है भाई यहाँ पर आप पहले तो सबसे पहली बात आप बढ़िया गाड़ी लाए भाई यहाँ पर बाइक अच्छी होनी चाहिए आपकी हाई पावरफुल सीसी तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर छोटे छोटे मिनी रस्ते हैं अभी हादसा होने से बच गया हमारी साथ भी भाई बहुत देख कर चलाएं बाइक और यहाँ पर पावरफुली बाइक लाएं भाई एक्टिवा वैक्टिवा तो भाई यहाँ पर फट रही है एक्टिवा वगैरह की चलाने में तो भाई यहाँ पर आप लोकेशन देख सकते हो दोस्तों तो अभी तो बहुत ऊपर जाना है वहाँ पर बहुत ही ऊपर जाना है अभी वहाँ पर तो अभी रास्ता बहुत बाकी है भाई चलते हैं फिर और शॉर्ट दिखाते हैं आपको और हाँ तो भाई निकल गया हूँ मैं थोड़ी बहुत ही फोटो वोटो कैप्चर करके थंबनेल वगैरह के लिए तो भाई सबसे पहली बात मैं क्या बता रहा था आपको भाई मिनी वे है यहाँ पर बहुत ही छोटे रस्ते हैं वो पीछे से गाड़ियाँ भी चल रही हैं तो भाई बहुत ही देख कर चले भाई यहाँ भाई बहुत वही है यार कहना कि नज़र हटी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी तो भाई यहाँ पर आप देख सकते हो कपल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं भाई यहाँ पर आप देख सकते हो भाई हम तो जैसे कि सिंपल सिंगल लौंडे हैं भाई लुंड यार हमारी तो ज़िंदगी यूँ कट जाएगी अपना ठीक है भाई ऐसे भी लोग बनाते रहो सही है यार ऐसे लेकिन भाई लौंडी लौंडा ज़्यादा आ रहे हैं भाई यहाँ पर तो भाई यहाँ पर बहुत ही छोटा रास्ता है भाई बहुत ही दूर का रास्ता है कुछ 6000 ही है ठीक और भाई रास्ता आप यहाँ पर देख सकते हो कितना खूबसूरत है किसी को भी आना है तो भाई ब्लॉग में पूरा एड्रेस डाल दिया है यहाँ का चलो भाई जब आ गए हैं पीछे देहरादून है सारा देहरादून है और ये अभी तो मसूरी और ऊपर रह रहा है वहाँ पर जाना है आप देख सकते हो तो भाई पूरे संडे आप पूरे हफ्ते काम करके एक संडे आपका एंजॉय होना चाहिए भाई एक दिन भाई घूमने का मज़ा लेने का होना चाहिए तो भाई ऐसा नहीं है भाई हमारा काम थोड़ा काला है भाई कुछ लोग काम वाम को देखकर भाई काम वाम में हमारी हालत देखकर हमें छूतिया सही मानते हैं लेकिन भाई ऐसा नहीं है मैं कुछ ये भी मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई होलिया देखकर जज मत करें किसी को कुछ पता नहीं कौन क्या है किस तरह है ठीक है भाई देखो जैसे का शुक्र है भाई आप काम करो भाई काम पूरे हफ्ते पूरे महीने करो और भाई एक दिन इंजॉय होना चाहिए ऐसी जगह तो भाई बड़ा ही रिलीफ मिलता है यहाँ पर मेरा ज़्यादातर घूमना जो है माउंटेन वगैरह में रहता है तो बहुत ही रिलीफ मिलता है भाई यहाँ पर बैठ कर बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और भाई मेरा कहना तो यह है भाई जो जा चुका है जाए और आए अपनी ज़िंदगी में भाई पैसा कमाएं और भाई मौज काटे ज़िंदगी की भाई सबसे बड़ी बात अरे बाबा आप देख सकते हो यहाँ के खूबसूरत नज़ारे और लोग भी यहाँ पर हैं बहुत प्यारे भाई बहुत ही डेंजर वे है पूरे बहुत ही क्लीन है गाड़ी यहाँ पर
चलाए और भाई आप नीचे तक देख सकते हो कहाँ जाना है नीचे, और बहुत ही सुंदर खूबसूरत जगह है मसूरी बाईपास इसको बोलते हैं। किमाड़ी किमाड़ी के रास्ते से भाई। वे इधर का बहुत सुंदर है और नज़ारा भी बहुत ही अच्छा है। और भाई कपल्स लोग भी आते हैं, बड़ा भी लोग होने वाला है और मज़ा भी ज़्यादा आएगा भाई उसमें। भाई दोस्तों इतनी सुंदर जगह और टेंपल जगह भाई ब्लॉग्स में ज़्यादातर नहीं कोई दिखा था, बट मैं स्पेशल भाई संडे की छुट्टी में स्पेशल ब्लॉग्स के लिए आया हूँ भाई, सच में स्पेशल भाई ब्लॉग्स के लिए आया हूँ कि भाई ब्लॉग्स बनाऊँगा। और आज मेरा बहुत दिन से भाई मतलब मूड था कि पहले भी आया था एक बार यहाँ पर इस वे को, भाई मेरा बहुत दिन से मूड था कि भाई इस रास्ते को एक बार फिर जाना होगा। तो भाई मैं ब्लॉग्स के लिए भाई आप लोगों को खूबसूरत जगह दिखाने के लिए आया हूँ भाई। आप देखते रहो फुल लहर आने वाली है। और सबसे पहले भाई मैं क्या बोल रहा था आपको, यहाँ के मिनी वे है भाई, यहाँ के ज़्यादातर मिनी वे है भाई। तो भाई होशो हवाश में यहाँ पर अपनी बाइक भाई थोड़ी होशो हवाश में चलाएं क्योंकि यहाँ पर मिनी वे है भाई, आप देख सकते हो। और भाई मैं एक जगह और खूबसूरत जगह रुक गया हूँ भाई, एक जगह और रुका हूँ मैं, तो बीच में ही रुका हूँ रास्ते में। तो भाई लंबी धार, भाई नाम सुन के और पढ़कर बहुत अजीब लगा, लंबी धार गांव का नाम है भाई। तो भाई आप नीचे की लोकेशन देख सकते हो भाई, भाई बहुत ही खतरनाक खाई है भाई, अगर आदमी गया तो पाएगा नहीं, बहुत ही खतरनाक। ठंडा बहुत है भाई, तो हम पहले ही पूरे इंतज़ाम से आए थे, तो भाई हुड डाल लेता हूँ अपनी यहाँ पर क्योंकि ठंडा बहुत है भाई। और ये झरना भी बह रहा है आप देख सकते हो। तो भाई चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें भाई, ठंडा ज़्यादा है यहाँ पर। तो मैं पूरे इंतज़ाम से आए थे हम अपनी हुड ले के भाई, तो क्योंकि भाई पहाड़ी इलाकों में माउंटेन हिल इलाकों में ठंडा हो ही जाता है। तो भाई अब मैं चलता हूँ, चलो भाई। तो गाइस एक शॉट में आपको फुल लोकेशन का दिखाता हूँ यहाँ की, और आनंद उठाएं भाई पूरा, चलो देखो।
तो दोस्तों मैं एक जगह पर और रुक गया हूँ। तो यार मूड कर रहा है आगे जाएं या ना जाएं, क्योंकि यार थोड़ा डर सा भी लग रहा है भाई। यार की बात है यार, छोटे छोटे रास्ते हैं, बहुत मिनी वे है, और भाई यार नजर तो हटी जाती है यार। दुर्घटना घटी, नजर हटी तो वही सीन, क्योंकि यार व्लॉग्स बना रहे हैं, भले ही बिल्कुल फोकस सामने हो, फ्रंट पे हो, तो लेकिन यार नजरें तो हटी जाती है। और सबसे पहली बात यार, एक्टिवा के टायर छोटे होते हैं यार, ये बहुत ही रिपटती हैं छोटे छोटे रास्तों पे। तो भाई आप नीचे की जगह देखो भाई, आप नीचे की लोकेशन देखो भाई, कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, और अभी तो भाई बहुत ऊपर जाना है। तो भाई डर सा थोड़ा लग रहा है, तो भाई ज्यादा डर चाहे थोड़ा बहुत तो डर लगता ही है। सोच रहे हैं ऊपर जाए या ना जाए, तो यार इतना ही बहुत है, या और ऊपर दिखाएं आपको। तो चलो खैर यार भाई, आ गए आपके लिए तो ऊपर भी जाना ही पड़ेगा। तो भाई एक के साथ दो फ्री आप देख सकते हो। तो यहाँ पर भाई नजारे कुछ अलग ही है, तो बहुत ही मजा ले रहे हैं भाई सब। तो यार सबके पास पावरफुल गाड़ियां हैं भाई, हिमालयन, बुलेट, ये यही यार यहाँ पर यही पूरा फाड़ती है भाई। यार ये एक्टिवा वैक्टिवा तो बेकार ही है माउंटेन के मामले में। तो चलो खैर भाई, कृपया लास्ट तक जुड़े रहें, जब आ गए तो और ऊपर भी जाएंगे। चलो तो गाइस एक जगह और रुका हूँ मैं, तो बीच में ही रुका हूँ रास्ते में। तो भाई लंबी धार, भाई नाम सुन के और पढ़कर बहुत अजीब लगा, लंबी धार गांव का नाम है भाई। तो भाई आप नीचे की लोकेशन देख सकते हो भाई, भाई बहुत ही खतरनाक खाई है भाई, अगर आदमी गया तो पाएगा नहीं। स्टार्ट। तो गाइस थोड़ी भूख लग रही है भाई, थोड़ा कुछ खाने पीने के लिए करते हैं। और यहाँ पर भाई ये चीज बढ़िया होती है, यहाँ पर पहाड़ों के बीच में टिल्ले होते हैं, और भाई यहाँ पर मैगी खाने का मजा ही अलग है। तो मैंने आंटी को बोल दिया है मैगी के लिए, आंटी थोड़ा जल्दी कर दो, फिर और ऊपर जाना है, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर पहाड़ों के बीच में मैगी खाना सबसे सबसे गुड और सबसे ऑसम मोमेंट होते हैं भाई। यहाँ पर मैगी खाना और बैठ कर दो बात करनी, रिलीफ मिलता है भाई बहुत। तो भाई और भी लास्ट तक जुड़े रहे, अभी तो बहुत ऊपर तक, अब ऊपर तक का सफर रह रहा है भाई। जब उठाई ली है भाई, जब बाइक उठाई है तो भाई ऊपर भी जाना ही पड़ेगा, तो ऊपर भी जाएंगे भाई। चलो थोड़ा मैगी खा लेते हैं। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना भाई। भाई अब वापस ही निकल रहा हूँ, मसूरी तो जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि माइक भी डाउन हो गया है यार, पता नहीं कैसे डाउन हो गया, चार्जिंग नहीं किया था काफ़ी टाइम से, तो मुझे पता भी नहीं था भाई माइक डाउन हो गया है। और मज़ा आने का नहीं भाई बिना माइक के, क्योंकि आवाज़ वॉइस ज़्यादा आती है बाहर से। तो आप यहाँ पर आए सिमाडी, भाई जी ने बहुत अच्छी मैगी बना रखी थी भाई, मैगी बढ़िया थी, बहुत टेस्टी मैगी थी। तो भाई एक बार ज़रूर आए यहाँ पर, आप की माटी के रास्ते में आए, मसूरी थोड़ी सी दूर रह जाता है यहाँ से। तो चलो ठीक है भाई, गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।